الرحمن الرحيم نحمده सल आ رسوله करीम अमाबाद بعد محترم के राम कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर लड़कियों के पाँच नाम ऐसे बतलाए गए हैं जो माना के अतबार से या नाम रखने के हिसाब से ज़्यादा अच्छे नाम नहीं हैं जिनमें जोया नाम है अलीज़ा नाम है अल्फिया नाम है इसी तरीके से अलीना नाम है तो इसमें बहुत से लोग बहुत से नामों के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं जिन लोगों ने नाम रखे हुए हैं कि जी आप कैसे बतला रहे हैं या आप गलत बोल रहे हैं मतलब बहुत से लोग अजीब अजीब तरह की कमेंट भी कर रहे हैं और बहुत से आलिम लोगों ने भी कमेंट किए कि जी अल्फिया के माना कि आप दोबारा तहकीक करें कि अल्फिया नाम आप कैसे कह रहे हैं कि आपको किताबों में नहीं मिला मैं इसकी सबसे पहले आपके सामने वजाहत कर दूँ आपकी स्क्रीन पर आप ये देख लें दारुल देवबंद का फतवा है दारालम देवबंद के अंदर दारुलफ्ता में इस सवाल किया गया अल्फिया नाम के तल्ल से कि मेरी बेटी का नाम अल्फिया है लेकिन यह नाम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मैं अपनी बेटी का नाम अल्फिया रखना चाहता हूँ तो दारालम देवबंद के जो दारफ्ता है वहाँ से उसका जवाब आया है दारफ्ता का कि अल्फिया लफ्ज़ हमको लगत की किताबों में नहीं मिला जो हजार उर्दू जानने वाले हैं वो स्क्रीन पर देख लें ये दारम देवबंद का फतवा है तो दार देवबंद के अंदर बहुत सेलम हैं और ऐसे ऐसा आलिम हैं कि सारी दुनिया के अंदर दार देवबंद के पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं मौजूद हैं उन्होंने इसके अंदर इसका जवाब लिखा है कि अल्फिया लफ्ज़ हमको लगत की किताबों में नहीं मिला इसके लिए इसके बजाय कोई अच्छे माने वाला दूसरा नाम रख ले ये उनका फतवा है और इसी तरह से एक फतवा है बन्नौली टाउन का जो पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर इदारा है और बहुत महतमद इदारा है उसके दारफ़ में भी सवाल किया गया अलफिया नाम के तल्ल से तो उन्होंने अल्फिया के बारे में बताया कि अल्फन ये हज़ार के माने में आता है अलबत्ता एक लफ्ज़ आता है अलफिया तशदीद के साथ या की और इस तरह में अलफिया कहते हैं उस कसीदे को जिसमें किसी फ़न के हज़ार कवायद जमा किए गए हो तो अल्फिया, अल्फिया के मान आते हैं हज़ार के इसी तरह से अगर हम अलफिया को अलफन से मानते हैं तो फिर इसके मान आएंगे हज़ार के जो गिनती का आदत होता है हज़ार लेकिन उन्होंने भी इसके बारे में नीचे यही लिखा है कि अल्फिया के बजाय अलाफिया लफ्ज़ के बजाय कोई दूसरा नाम रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है इसके कोई अच्छे माना नहीं बनते तो वीडियो के अंदर जो मैंने अल्फिया के माना बतलाएँ हैं भाई इसके माना लुत में नहीं मिला दारालम देवबंद के फ़तवे को देख करके वो माना बतलाए गए हैं इसी तरीके से बिनुल टाउन का फतवा जितने भी बड़े इदारे हैं और लुत की किताबों के अंदर तो ये लफ्ज़ अल्फिया हो बहू बेइन ही नहीं मिल सका अल्फिया अलवत् अगर अल्फन से मानते तो फिर हज़ार के माना में आता है तो ये अलफिया नाम हज़ार का भी कोई माना नहीं बनता मतलब ज़्यादा अच्छा मान नहीं है जैसे अच्छे बामाना नाम होना चाहिए बाकी अब बहुत से लोग अब ये पूछ रहे हैं कि जी हमारा नाम अलफिया है तो अब हमारी उम्र 12 साल की हो चुकी है तो हम अपना नाम कैसे बदलें तो आप ये नाम ना बदलें अलफिया नाम अगर किसी का रखा हुआ है तो माना इसके बुरे नहीं हैं इसलिए नाम ना बदला जाए इसमें कोई हर्ज नहीं है नाम बदला ना जाए बाकी आइंदा ये है कि बेहतर ये है कि अच्छे माना का नाम रखें आइंदा अल्फिया नाम हम ना रखें क्योंकि ज़्यादा अच्छे इसके माना नहीं बनते बाकी नाम अगर रखा हुआ है किसी का तो वो बदलने की ज़रूरत नहीं है और हाँ आप लोग कोई भी अगर आपको मेरा कोई नाम मैंने बतलाया है या कोई इस तरीक़े की बात मैंने कही है जो शेयत के ख़िलाफ़ हो या कोई ऐसी बात हो जो आपको किसी मोतमद किताब के अंदर डिक्शनरी के अंदर वो मिली है तो आप मुझसे डायरेक्ट रबता करें पर्सनल पर रबा करें आप इस तरीके से कमेंट के अंदर उल्टी सीधी कमेंट करना ये मुनासिब नहीं है ये इस्लामी भाइयों की या इस्लामी बहनों की शाह निशान नहीं है क्योंकि एक मुसलमान कभी भी किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता अलमसलिमसलमसलिमुना मिलसानी ही बया दी कि मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे तो इसलिए इस तरीक़े के कमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके शान के मुनासिब नहीं है आपको अगर कोई भी मसला हो आप मुझसे कमेंट में या इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम के लिंक हर वीडियो के अंदर मौजूद होता है उसमें मुझसे रबता करें कोई भी अगर नाम गलत है या हमने गलत बतलाया है आप गूगल से देख करके उसको कह रहे हैं कि जी इसके माना तो बहुत अच्छे हैं आप कैसे गलत बतला रहे हैं भाई गूगल का एतबार नहीं होता गूगल के ऊपर हर लफ्ज़ या हर माना वो सही नहीं होता है इसलिए हम जो भी बतलाते हैं किताबों के अतबार से देख बतलाते हैं या जो मोहत दारफ्ताह चल रहे हैं उसमें से देख करके बतलाए जाते हैं कोई भी नाम आपको किसी मोतमद डिक्शनरी के अंदर मिलता है उर्दू की अरबी की फ़ारसी की जिसके अंदर उस लफ्ज़ के अच्छे माना हो तो आप मुझके बतलाए उसको की दोबारा से हम वीडियो बनाएंगे और उसकी तस्ह करेंगे अल्लाह आप तमाम अहबाब को हमेशा खुश रखे और आपको आफ़ियत और सलामती के साथ रखे फ़कत वल्ल्म